मैं प्रियंका रोहिला आज आपको हिंदी का एक टॉपिक करवाऊंगी जो कि बहुत ही अहम रहता है और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएनसी करियर पॉइंट पर, ठीक है जी? ये दिल्ली बाईपास पर है, आए एक बार इस पर जी, हाँ जी, संधि का टॉपिक करवाऊंगी मैं आज। और जो संधि है वो हर एग्जाम में पक्का 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 आती है, और संधि सीखने के लिए तो बच्चा बड़ा उत्सुक होता है कि संधि सीखेंगे, लेकिन उसके नियमों को देखकर वो भाग जाते हैं, है ना? आपको मैं बताऊं, यदि किसी किताब में हम संधि जो है पढ़ेंगे तो उसमें हमें करीबन 6-7 पेज मिल जाएंगे संधि संधि के, और इतने सारे पेज देखकर बत्ती हो जाती दिमाग की गुल कि भाई इतना तो नहीं हो सकता मार से आप। अब आपको जो एग्जाम है सीईटी का, उसके अकॉर्डिंग ही करवाया जाएगा कि भाई कितने नंबर की उसमें हिंदी आ रही है। लगभग 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे हिंदी के, अधिकतम 10 हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है जी? 7-8 क्वेश्चन, 10 अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो उस हिंदी के लिए आज हम पढ़ेंगे संधि, ठीक है? शॉर्टकट में दूंगी आपको बिल्कुल नींबू निचोड़ मसाला, ठीक है? चलो संधि की बात कर रहे हैं हम। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत खुश रहे, परमात्मा खुश रखे। हाँ जी सुनो भाई, अब संधि की बात कर रहे हैं हम। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब क्या है? एग्रीमेंट है। संधि का मतलब क्या है? समझौता। संधि क्या है? एक समझौता है। अब देखो, जब हम किसी से समझौता करते हैं तो समझौते में क्या होता है कि थोड़ा तू बदल, थोड़ा मैं बदलूंगा, तो ये एग्रीमेंट होगा ना। तो मैं कई बार एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि मान लो एक राम है और एक अवतार है, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है जी? एक राम है और एक अवतार है, दो व्यक्ति हैं, और ये इनका बॉर्डर है, दो राजा समझ लीजिए। अब राम अवतार के एरिया में बमबारी कर रहा है, अवतार राम के एरिया में बमबारी कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं परेशान, ठीक है? तो अब क्या करेंगे दोनों एक दूसरे से कि भाई एक दूसरे से हम परेशान हो रहे हैं, दोनों क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे, समझौता करेंगे, और दोनों अपने आप में कुछ बदलाव लेके आएंगे। जैसे कि राम जो है इसके साथ में है मां प्लस में अ, और यहां क्या है? अवतार। अब आप देखो, ये अ अपना राम ने दे दिया, ये अ अवतार ने दे दिया, और मिलकर क्या बना दिया? बड़ा अ। यानी कि पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के शुरू में ही परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब क्या है? संधि समझौता, या हम कह सकते हैं वर्णों का विकार। हमारी हिंदी भाषा में हम इसे क्या बोल देते हैं? वर्णों का विकार। विकार मतलब परिवर्तन या बदलाव, ठीक है? बात समझ में आ रही है भाई संधि की? थोड़ी सी संधि में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। अब जैसे कि आपने समास भी सीखे होंगे, ठीक है? जैसे कि ये है समास है, इसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले बताया है, लाल है जो मिर्च। इसमें समास कौन सा आएगा भाई? इसमें समास आएगा लाल मिर्च, है ना? अब देखो, इसके अंदर ना संधि नहीं है कोई, ये बस पास बैठे। समास में संधि हो भी सकती है, संधि नहीं भी हो सकती है, यानी परिवर्तन हो भी सकता है, परिवर्तन नहीं भी हो सकता। अब इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, लाल मिर्च, ठीक है? लाल प्लस मिर्च करें तो सेम एज इट इज लिखा गया, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये समास है ना कि संधि। लेकिन ये याद है आपको, दशानन कौन सा समास होगा? दशानन में बहुव्रीही होता है, बहुव्रीही नहीं व्रीही, व्रीही मतलब होता है धान। तो दशानन में तो संधि होगी, दश प्लस में आनन। अब देखो, ये भी समास है, ये भी समास है, ये हमारा कर्मधारय समास है और ये हमारा दशानन बहुव्रीही समास है। अब आप ध्यान से एक बात को समझ लीजिए कि जो समास होता है उसमें परिवर्तन हो भी सकता है और परिवर्तन ना भी, है ना? लेकिन संधि में परिवर्तन होगा ही, एकादा ही कोई रेयर मेरे पास एग्जाम्पल है, एकादा ही कोई अपवाद है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। बात समझ में आई भाई? अब देखो, आप लोगों को सिर्फ जो हम
एग्जाम में लाइक DSSB के लिए भी जितनी मैं संधि करवा रही हूँ वो इनफ रहेगी। अब मेरी बात सुनो, संधि के है ना नियम काफी सारे हैं, उनको हमने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कम कर दिया। अब ऐसी बात नहीं है कि संधि आपको बिल्कुल नहीं आती है, संधि आपको आती है। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूं, आप जवाब दो। जैसे आप बताओ मनहा प्लस में अभिलाषा क्या होगा? मनोभिलाषा। तपह जमा में बल तपोबल, आशी ही जमा में वाद आशीर्वाद, आवी ही जमा में कार आविष्कार, दीप जमा में आवली दीपावली, सुर प्लस में ईश सुरेश, हिम प्लस में आलय हिमालय। अब आप देख रहे हो सु प्लस में आगत स्वागत, यानी कि आपको संधि आती है। अब आपने इनको जोड़ लिया, संधि आपको आती है, काम किस पे करना है, संधि है कौन सी। ये जब पेपर में क्वेश्चन आता है संधि है कौन सी, तो वहां पर बच्चों की जाती है गड़बड़। तो आपने किस पे काम करना है, संधि है कौन सी, और दूसरा उसके टुकड़े पर, है ना, टुकड़े पर काम कर सकते हो आप कि तोड़े कैसे इसको। एक छोटी छोटी हथौड़ी दे दूंगी मैं सबको, अपने तोड़ लेना, ठीक है। एक तो टुकड़े पर काम करना है और दूसरा संधि है कौन सी। उसके लिए निम्बू निचोड़ हिमालय पर जो तप किया है वो बबूत आपको देंगे हम आज, ठीक है। और आज भी तपस्या है, आज अहोई अष्टमी का वो है दिन है, और हमने आप सभी बच्चों के लिए रख रखा है व्रत कि आप सदा सुखी रहें खुश रहें, ठीक है। मैंने आज सभी को याद किया, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे खुद के जो दो बच्चे हैं वो, और जो मेरे बाहर इतने सारे प्यारे प्यारे छात्र हैं, उन सबके लिए व्रत रखा आज, ठीक है जी, ठीक है। तो जो तपस्या चल रही, देखो अभी भी तपस्या चल रही है, तो जो संधि है वो भी तप करके प्राप्त किया है, अब वो दे रहे हम आपको, आ जाओ। देखो भाई अब आ जाओ, संधि है कौन सी ना उस पे काम करेंगे। सबसे पहली बात जो संधि है, और आपको मैं बता दूं संधि की सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन में टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी, संधि 5 लाइन में कंप्लीट, ठीक। जो आपने 6-7 पेज भरे देखे हैं और मुझे लगता नहीं किसी नर्सिंग स्टूडेंट ने उन्हें पढ़ने की कोशिश की हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ 5 लाइन संधि कंप्लीट, निम्बू निचोड़ मसाला, ओके। अब आ जाओ देखो, पहली बात संधि कितने प्रकार की होती है भाई, संधि 3 प्रकार की। कितनी खुशी की बात है कि संधि 3 प्रकार की है, 5 की होती तो क्या कर लेते, तो क्या कर लेते भाई, याद करते, कुछ नहीं कर सकते थे। तो संधि कितने प्रकार की, हमारी 3 प्रकार की। देखो पहली है स्वर संधि, दूसरी मैं जानबूझकर विसर्ग लिख रही हूं, और तीसरी फिर मैं आपको करवाऊंगी व्यंजन संधि। 3 तरह की संधियां होती है। अब देखो आपको काम करना है कि संधि है कौन सी, इस पर काम करना है आपको, संधि है कौन सी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, जैसे कि हमारे पास शब्द है दीप प्लस में आंवली, एक बार बोर्ड की तरफ देखेंगे सारे, इधर देखो दीप प्लस में आंवली, प जो है उसके साथ में है अ, और आगे भी क्या है आ, जब इधर भी स्वर इधर भी स्वर, जब दोनों तरफ स्वर हो तो वो स्वर संधि होती है, बात खत्म, ठीक है जी। आपको पहचानने के लिए आ जाए, बताओ स्वर है व्यंजन है विसर्ग है, जब दोनों तरफ स्वर हो तो स्वर संधि, जब दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि, ओके। अब इधर देखो विसर्ग में ये लिख दिया मैंने निही प्लस में बल, जब विसर्ग नजर आ जाए तो विसर्ग संधि, इजी परफेक्शन। एक देखो सत प्लस में जन, जब एक तरफ आपको हलंत नजर आ जाए तो व्यंजन संधि, हो गया भाई। और व्यंजन संधि की एक ट्रिक और भी है, जैसे कि यह वी प्लस में स्तंभ, यानी कि जब दोनों तरफ स्वर ना हो। अब देखो यहां तो स्वर है, व के साथ में छोटी है लेकिन आगे नहीं है, आगे तो हमारा स्वर नहीं है स है, तो जब दोनों तरफ स्वर ना हो तब भी कौन सी संधि होती है, व्यंजन। जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए ऊपर से
तो कोई बच्चे को अगर इतना भी आता है तो भी काम कर देगा, थोड़ी बहुत तो आपको जोड़ने आती ही है। ठीक है भाई, गले आपको ये पता चल गया कि भाई दोनों तरफ स्वर है स्वर संधि, विसर्ग है विसर्ग संधि, और जब दोनों तरफ या तो स्वर ना हो या हलंत लगा हो तो बेटा। बात समझ में आ गई भाई? अब छोटा सा एक पॉइंट और है, जो मैं पांच लाइन कह रही हूं वो ये पांच लाइन नहीं है। ठीक है, वो पांच लाइन कौन सी मैं बताऊंगी कि उन पांच लाइन पर हमारी संधि कंप्लीट। देखो अब स्वर संधि जो है ना उसके पांच भाग होते हैं, आपने पढ़ा होगा, दीर्घ संधि, दूसरा भाई गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, फिर चौथी आएगी अयादि संधि और लास्ट यण संधि। ये स्वर के पांच पार्ट हैं। और कितनी अच्छी बात है कि और किसी का भी कोई पार्ट नहीं है, ना विसर्ग का ना व्यंजन का। ठीक है, विसर्ग की पहचान बता रही होती तीनों श, तीनों श आधे आधे तीनों सा आपको शब्द के बीच में नजर आ जाए तो विसर्ग हो, या आपको ओ की मात्रा नजर आ जाए जैसे कि मनोबल, मनहा जमा में बल, तो विसर्ग संधि होगी, या आपको ऊपर रह नजर आ जाए अदर जैसे निर्बल ऊपर रह आएगा तो विसर्ग संधि होगी। तीनों श के लिए से निशुल्क नहीं प्लस में शुल्क, दुह प्लस में कर्म दुष्कर्म, दुस्साहस दुह प्लस में साहस। देखो तीनों एग्जाम्पल दे दू, इसका एग्जाम्पल देती हूं मैं निशुल्क, ये बीच में आ गया हमारा शलगम वाला शाह तो ये विसर्ग संधि, षटकोण वाला शाह एग्जाम्पल दे दू दुष्कर्म तो, सड़क वाले शाह का दे दू एग्जाम्पल दुस्साहस तो, और ओ का एग्जाम्पल दे दू मनोबल, मनहा प्लस में बल, और र का एग्जाम्पल दे दू निर्बल, निही प्लस में बल निर्बल। अक्सर इस पॉइंट को यहां लिख लेंगे, अक्सर वो गाना सुना होगा आपने अक्सर, ठीक है जी, अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि जब तीनों सड़क वाले शलगम वाला षटकोण वाला श आधा आधा शब्द के बीच में हो तो विसर्ग संधि होती है, अक्सर ऐसा होता है जब बीच में ओ की मात्रा हो और दोनों तरफ स्वर, बीच में ओ की मात्रा हो तो भी विसर्ग संधि होती है, और जब ऊपर आधार हो निर्बल है दुर्बल है पुनर्जन्म है आशीर्वाद है वो सब विसर्ग संधि होती है। ये बस पांच ये और पांच पॉइंट ही, ठीक, ये वो पांच लाइन है 1 2 3 4 5, इतने ही पेज पे संधि कंप्लीट कर दूंगी सिर्फ इतने से एरिया में, फॉर नर्सिंग स्पेशल DSSB स्पेशल। आप लोगों को मैं जानती हूँ कितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है नर्सिंग का सब्जेक्ट, कितना भारी हो जाता है, उसके अंदर आपको नींबू निचोड़ मसाला चाहिए, आपको पूरा हिंदी का ज्ञानी नहीं बनना, आपको हिंदी इतनी आनी चाहिए कि आप एग्जाम क्रैक कर सको, इतना सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। और पेपर में भी ये होता है कि सामान्य ज्ञान आएगा हिंदी का, तो आपको सामान्य ज्ञान चाहिए, आपको ज्यादा डीप में चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसी पे काम करेंगे, जो जैसे डॉक्टर करता है ना, पहले सारे एक्सरे वेक्सरे निकालेगा, फिर ये देखेगा कि बीमारी कहाँ है, उसी पर इलाज करना है, तो हम भी यही देख रहे हैं जरूरत कितनी है उसी पर काम कर। ठीक है, वैसे तो सब संधि करवाती हूँ मैं, एस्ट्रेट वाले स्टूडेंट को 6-6 दिन चल जाते हैं हमारे संधि के, उन्हें बहुत डीप में करवाते हैं क्योंकि उन्हें टीचर बनना होता है, टीचर को सिखाने पड़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ ओनली ऑन एग्जाम क्रैक करना। ठीक है, आपको अपने नर्सिंग में ज्यादा ज्ञान लेना है, आपको हिंदी में ज्ञान नहीं लेना इतना। अब मेरी बात सुनो, स्वर संधि के ये पांच पॉइंट, क्योंकि स्वर में से भी आता है दीर्घ है गुण है वृद्धि अयादि, ये बताओ, विसर्ग के ये पांच पॉइंट, और व्यंजन संधि के ना 35 से 40 नियम है, और जब हम एस्टेट में करवाते हैं तो एक एक नियम ये लगा लो 10 मिनट का तो होता है, यानी कि एक दिन में हमारे सारे 6 या 7 नियम हो पाते हैं। अब आपके एग्जाम में ना तो इतनी हिंदी आने वाली, ना आपको जरूरत है, तो आप कैसे करेंगे, क्या नींबू निचोड़ मसाला था कि आप ये पांच स्वर संधि के पॉइंट याद कर लेंगे, पांच ये विसर्ग के, जो बाकी बची वो व्यंजन, आपको ये 35 से 40 नियम नहीं करने हैं। क्लियर है, आपका काम बहुत हल्का हो गया, 35-40 नियम कट गए। ठीक है,
इस तरीके से आपको करवाई जाएगी हिंदी। ओके, अब ये पांच नियम इसी लाइन में देख लो, हम कैसे पहचानेंगे। देखो यहां तो मैंने पहचान ली विसर्ग संधि की, दीर्घ संधि की पहचान कैसे करेंगे, जब शब्द के बीच में हमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ नजर आ जाए तो दीर्घ संधि। जब बीच में देखो किसी में गुण आ जाता है ना, गुण, तो बड़ा करके बोलता है ओए, तो ओए और अर। फिर भाई वृद्धि संधि, देखो ओ है तो औ हो जाएगा, ऐसे डी है तो एनक हो जाएगा। अयादि की पहचान क्या है, छोटी सी चोट लगी तो अय, ज्यादा भयंकर लग जाए तो आय। एक कबूतर बुलाना है तो आओ आओ, ज्यादा बुलाने हैं तो आओ आओ। यण संधि की पहचान, अधिकतर यण संधि में आधे अक्षर होते हैं। एक तो मोटी मोटी ये पहचान, आधे अक्षर, और दूसरी पहचान हम क्या कहेंगे कि यण संधि के अंदर हमें शब्द के बीच में आधा य, आधा व और र आधा नजर आएगा। किसी को आधा र नजर ना आए तो वो त्र देख लेना, संधि कंप्लीट। कितनी देर में खत्म करी, 10 मिनट। जो आप डरते रहते हैं संधि इतनी बड़ी है, संधि इतनी बड़ी है, वो संधि आपकी देख लो भाई कितनी देर में खत्म होगी, 10 मिनट में बस। अब करना क्या है, अब प्रैक्टिस करनी है आपको बस। संधि डिपेंड्स करती है उसके एग्जाम्पल्स पर, कितने आपको एग्जाम्पल आते हैं, संधि डिपेंड करती है एग्जाम्पल। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप पहचानना कि ये दीर्घ है, दीर्घ गुण वृद्धि आदि में से, और मेरे ख्याल से स्वर विसर्ग व्यंजन में से आप पकड़ लेंगे तुरंत, बहुत ही आसान हो जाएगा वो। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ जाए कि दीर्घ में, गुण में, वृद्धि में, अयादि में और यण में, इन पांचों में से बतानी होगी मैं कौन सी संधि, ठीक है। और देखो दीर्घ की पहचान क्या होगी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, गुण आते ही ओए, ओ ए, फिर अरे, हरियाणा में बोलते थे ऐसी अरे, तो अर, ठीक है जी। फिर आएगी भाई हमारी वृद्धि, तो ओ से औ हो गया, ए से ऐ हो गया, अयादि अयादि अय आय अव आव, और यण यण माली में आधे अक्षर होंगे, य नजर आएगा आपको शब्द के बीच में जहां संधि हो रही है, व नजर आएगा आपको और र नजर आएगा। किसी को र नजर ना आए तो उसको हम त्र दिखा देंगे, ठीक है। अब जरा आप पहचानने की कोशिश करना, मैं आपसे प्रैक्टिस पूछ लेती हूँ यहां पर। ये आपके हो गए भाई संधि के नियम, आपको व्यंजन संधि करनी नहीं है, यहां पर मैं आपको करवा देती हूं अब अभ्यास, प्रैक्टिस, टॉपिक कंप्लीट, इतना सही सीखना है बस, बताओ। अब ये तपस्या की है जो आपको दी है, ठीक है। हाँ, नहीं तो हम खुद बड़े परेशान हुआ करते, संधि पहचाने कैसे, पहचाने कैसे। तो किताबों में जब लिखा होता है ना, तो दीर्घ लिखा तो दीर्घ के पहले आ के 20 एग्जाम्पल देंगे, फिर ई के 20 एग्जाम्पल देंगे, फिर ऊ के 20 एग्जाम्पल देंगे। हम इतने बिचड़ ले के हो रहा है, ठीक है जी। फिर गुण में जाते हैं हम, फिर ऐसे परेशान हो जाते हैं, फिर वृद्धि में जाते हैं, फिर ऐसे और अयादि और अयादि और यण तक तो आते आते हम बेहाल हो जाते हैं, और हमें ये पता नहीं होता हुआ क्या। अब जरा पहचानना कि ये दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, अयादि है या यण है, ठीक है भाई। चलो तो पहला क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, पहचानना है कौन सा होगा। देशांतर, बताओ भाई कौन सी संधि, इसको तोड़ के देखो क्या होगा, तोड़ टुकड़ा देखा करो, सोचा देश होगा, देश ह सुना है कभी, देश ह ऐसे कभी देखा है लिखा हुआ, देश नहीं देखा ना, फिर हो भी नहीं सकता, बताओ। देशांतर शब्द के बीच में देखो, इनमें से ये चार ऑप्शन है आपको, 1 2 3 4, तो कौन सा होगा दीर्घ संधि। ये देखो बीच में आया हमारे पास आ, देशा आ।
अब टुकड़ा क्या होगा इसका? टुकड़ा होगा देश प्लस में अंतर। देशांतर नहीं होगा, वो देशांतर नहीं होगा, आंतर नहीं होगा, अंतर। अब देखो यहां अ है और यहां भी अ है, बल्कि उसके ऊपर बिंदी है, अन जिसे हम कह देते हैं। दोनों तरफ स्वर है, स्वर संधि है, और दोनों तरफ अ है। अ अ मिलकर क्या बनता है हमारा? बड़ा आ। तो किस में आएगी? दीर्घ संधि में। यानी कि ये आ कैसे मिलकर बना हमें? अ प्लस में अ, अ और अ मिलकर आ बनता है। चाहे कोई सा ही अ हो, छोटा अ हो, बड़ा आ हो, कोई सा। ठीक है, सबका कम से कम आपको दो दो एग्जाम्पल तो सब कम से कम करने होंगे ना आपको। जैसे दो इसका कर लिया, दो इसके, दो इसके, और दो भी नहीं करे तो कम से कम एक एक तो करोगे ही। तो तीन ये, और तीन ये छे, और भाई छे चार दस, दस दो बारह, बारह और तीन कम से कम 15 एग्जाम्पल तो पढ़ोगे। अब इससे भी कम काम करना, इससे कम तो नहीं सोचते होगे ना आप लोग। 15 एग्जाम्पल तो भाई न्यूनतम है। ठीक है, अब और एग्जाम्पल देखो, अब बताना कौन सा होगा ये। कपीश, टुकड़ा देखो बीच में, बीच में क्या आ रहा है? दीर्घ संधि। बीच में क्या आ रही है भाई? बड़ी ई। अब कपीश का टुकड़ा क्या होगा? कपी प्लस में ईश। अब एक बच्चा तो मेरे पीछे पड़ गया, बोला मैडम जी ये बताओ ये कपी में पापा छोटे की मात्रा क्यों आई, बताओ। उसे क्या कहें हम भाई? कपी लिखते हैं ऐसे हैं, कपी लिखते हैं ऐसे। अब ये तो कपी हो जाएगा, ऐसे लिखूंगी तो ये कपी हो जाएगा, जो कि गलत है। कपी का मतलब होता है वानर, कपी का मतलब होता है हनुमान। ठीक है, कपी का मतलब हनुमान नहीं, वानर ही होता है, सॉरी। कपीश का मतलब होता है हनुमान, वानरों का जो ईश है, ईश मतलब स्वामी। तो वानरों का ईश हनुमान जी, वानरों का ईश सुग्रीव। और सुग्रीव को सुग्रीव पता है क्यों कहा? क्योंकि सुंदर है उसकी ग्रीव, ग्रीवा गर्दन, सुग्रीव इसीलिए बोला गया। जैसे कि सुपुत्र, सुंदर है जो, अच्छा है जो पुत्र। ठीक है, तो कपी वानर और उसका ईश। अब ऐसे लिखते हैं कपी, ऐसे लिखते हैं ईश। अब देखो यहां पर प के साथ में है छोटी वाली ई, और यहां पर आगे क्या है? ई। अब ई ई मिलकर क्या बनिया? बड़ी। यानी कि ई कैसे बनता है? ई प्लस में ई। अब यहाँ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बनेगा ई। तो यहां पर ये बड़ी कैसे मिलकर बना? ई प्लस में ई। ठीक है, अब और एग्जाम्पल देखो। हाँ भाई ये देखो, वधूत्सव, वधूत्सव, बताओ। दीर्घ संधि, इसके बीच में नजर आया आपको? ये रहा बड़ा। अच्छा मुझे वधू लिख के दिखाओ, कैसे लिखेंगे? जो ठीक लिखेगा उसी के आएगी। पहले भी लिखवाई थी मैंने, लिखो जरा वधू, वधू लिख के दिखाओ। धा पर छोटा हुआ आएगा या बड़ा हुआ है? हाँ भाई लक्ष्य तू बता दे भाई। ओके देखिए, वधू भाई लक्ष्य ने कही है छोटा हुआ। लक्ष्य भाई अफसोस, आपने बताया है गलत, तो मामला थोड़ा खतरे में। वधू प्लस में उत्सव, बड़ा ही ऊ होता है वधू। बहू में भी बड़ा ऊ होता है। ठीक है, ऊ और ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा। अब यहाँ पे क्या है? ध के साथ में क्या है? ऊ है, वो भी बड़ा ऊ है। आगे भी क्या है? ऊ है। तो स्व को ऐसे रहने देने, वहां कोई चेंज नहीं होता, चेंज यही होता है बस। पहले शब्द के एंड में दूसरे शब्द के शुरू में चेंज यही होता है, वो कहीं चेंज नहीं होता। ऊ प्लस में ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा। ठीक है, वधूत्सव। और छोटा ऊ करके वधू नहीं लिखते कभी भी, देख लो, गलत मत लिखा करो भाई। तो ऊ कैसे मिलकर बना हमारा? ऊ बन गया छोटा ऊ प्लस में ऊ, मतलब ऊ मिलकर बड़ा ऊ बने। ठीक है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर आप सोच के देखो ये छोटे बड़े के भी अलग अलग सीन बन जाएं, कि छोटा छोटा मिलेगा तो ये बने, बड़ा बड़ा मिलता तो बुद्धि खराब हो जाएगी, कि
इसीलिए कोई सा ही ऊ हो मिलता है बड़ा ऊ, कोई सी ई हो मिलती है बड़ी, कोई सा ही अ हो मिलता है बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ संधि की पहचान क्या हो गई, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, बात खत्म, इतना आसान था। ठीक है चलो और बताना। अब देखो इनके ना मेरी बात सुन लो भाई, एक एक एग्जाम्पल तो 15 एग्जाम्पल तो कम से कम जरूरी है, कम से कम जरूरी है। अब इनको समझने के बाद फिर आपका काम क्या बनता है भाई, प्रैक्टिस लगा लूं मैं करके देख लूं 10 एक। आप अगर 20 से 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, इनफ रहेंगे, क्योंकि जितने नंबर की हिंदी आ रही उतना इनफ, क्योंकि एक संधि थोड़ा ना आएगी उस पेपर में सारे, जाने क्या क्या आएगा, वो 7-8 क्वेश्चन में पढ़ना पूरा पड़ेगा। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, नॉट अ हार्ड वर्क। अगला बताना, देखो अब बताना कौन सा जन्मोत्सव। हाँ जी, गुण संधि, क्योंकि बीच में क्या हो गया, ओ आ गया। अब समझ गए ना कहाँ देखना है हमें, उस शब्द के टुकड़े के बीच में देखना। अब इसका टुकड़ा क्या होगा, जन्म प्लस में उत्सव। अब देखो यहां पर अ है और यहां पर उ है और ये मिलकर क्या बना, ओ। और वैसे भी जो ओ से ओखली है ना, जो संयुक्त स्वर है, वो इन दोनों के मेल से ही बनता है, औ औ औ। तो हमारा ये ओ किससे मिलके बना, ये हमारा ओ मिलके बन गया अ प्लस में उ से। अब चाहे अ कोई सा ही हो, इधर अ चाहे कोई सा ही हो, जैसे कि भाई महा प्लस में उत्सव, महोत्सव होगा जो, तो वो महा में आ जाएगा यहाँ पर, चाहे कोई सा ही अ हो चाहे कोई सा इधर उ हो। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि भाई उत्सव ऐसे नहीं लिखा जाएगा, उत्सव में छोटा हुआ आएगा। अब आपको कंफर्म है ना उत्सव में ऐसे लिखेंगे, किसी ने देखा है ऐसे उत्सव लिखा हुआ बड़ा हुआ, ये आपको पता नहीं जी ये क्या लिख दिया। लेकिन जो आपने पढ़े नहीं होते ना, उसमें आप कंफ्यूज रहते हो, तो आपको प्रैक्टिस करनी होती इस चीज की कि अच्छा उत्सव ऐसे लिखते हैं, ईश ऐसे लिखेंगे, इंद्र ऐसे लिखेंगे, ये सब चीज। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा भाई ओ देखते ही गुण संधि। और देखो एग्जाम्पल, यहां लिखूंगा एग्जाम्पल। अब देखो, हाँ रमेश, ए आ गया, ये रहा ए। एक बात और सुन लो भाई, ए से डी की होती है एक मात्रा ऐसे, और एन की होती है दो ऐसे। ठीक है, अब रमेश आपने बता दिया कि जी यहां पर एक ही मात्रा आ रही है, तो ये रमेश गुण संधि हो जाएगा। अब टुकड़ा क्या होगा, रमा प्लस में ईश, रम नहीं होगा और ईश ऐसे लिखते हैं। अब देखो यहां पर आ है बड़ा वाला और यहां पर ई बड़ी वाली, आ और ई का मैच करते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, ए। यानी कि चाहे छोटा वाला हो अ और छोटी वाली ई हो, तो भी ए ही बने, कोई सा ही हो, ये बन रखा हमारे पास ए। ठीक है, तो हमारे पास जो ये ए है वो कैसे बना है, अ प्लस में ई से। तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं, अई बोलते हैं इसको, हम इसको गलत प्रोनाउंसिएशन करते रहते हैं क्योंकि हमने सीखा बचपन से ऐसे ही है। इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, अ और ई का मैच, तो ये अई। हाँ बिल्कुल अई भी नहीं है, थोड़ा सा मतलब कि जब हम रमेश बोलते हैं तो हमें उसमें साउंड नहीं आता अई का, रमेश नहीं होता, यूपी बिहार साइड लोग बिल्कुल ठीक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी गुण संधि, गुण संधि एग्जाम्पल। और देखना, अब देखो ये लिखा मैंने महर्षि, अब ह के साथ में अ है और ये रहा र, अर। क्या होगा ये, अर का साउंड नजर आया आपको, अर अर है तो क्या होगा, गुण संधि होगा। अब टुकड़ा क्या होगा, सब महा प्लस में ऋषि करेंगे ना, मह प्लस में ऋषि तो नहीं करता कोई। अब यहां पर आ आया और यहां पर री है, यानी कि आ का और री का मैच होता है तो क्या बनता है, अर। अब आ छोटा हो चाहे बड़ा, ठीक है, और आपका जो टुकड़ा है उसी से आप खुद सीख रहे हो, और इतना सबको पता है कि भाई महा प्लस में ऋषि ही होगा। ऐसे ही इसके 3-4 एग्जाम्पल है,
एक महर्षि है ऐसी, एक सप्तर्षि है, सप्त प्लस में ऋषि, ठीक है जी, एक देवर्षि है, देव प्लस में ऋषि। तो इसके मोस्ट ऑफ यही एग्जाम्पल है जिसमें आपको ऐसे अर अर नजर आ जाए वो होगी घुड़संधि। ठीक है, अब और बताना। महौषधि बताओ, वृद्धि दिखाई दी आओ, ठीक है, टुकड़ा क्या होगा, महा प्लस में औषधि। अच्छा अब देखो औषधि शुद्ध शुद्ध में आता है, ध्यान से देखना। अब देखो यहां पर बड़ा आ है और यहां पर औ है, ठीक है, बनना क्या है, औ ही बनना है, यानी कि अब चाहे इधर अ हो चाहे ओ हो बनेगा औ ही, औ औ औ, ठीक। ये बातें कैसे याद होगी, जितनी मैं प्रैक्टिस करूं, एक बार में तो कोई भी इतना समझदार नहीं होता कि बीज इसको एक बार में याद हो जाए, हर किसी के याद करने में टाइम लगता है, हमें भी याद करने में टाइम लगा है, एक बार में याद नहीं होती चीजें भाई, उसको दो से तीन बार रिपीट करना होता है, ठीक है, ठीक है। पीछे होश में भाई, लीन हो रहा है भाई, लीन। नेक्स्ट आ जाओ, महेश्वर्य, वृद्धि देख लिया, देखो ओ से ओख लिया है तो गुण है, औरत आ जाए तो वृद्धि है, अगर ए से एडी है तो गुण है, एनक आ जाए तो वृद्धि है। अब एनक की होती है दो मात्रा, अब महेश्वर्य का टुकड़ा क्या होगा, महा प्लस में ऐश्वर्य, अब ऐसे लिखेंगे ऐश्वर्य, ऐसे लिखा जाता, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर से मात्रा हटा देंगे, ऐश्वर्य गलत हो जाएगा वो लिखा हुआ, शुद्ध ऐसे ही है। अब देखो यहां पर आ है और फिर ऐसे एनक, और बनेगा क्या, एनक ही बनेगा, अब यानी कि यहाँ पे चाहे आ हो चाहे ए हो, आए आए आए, ठीक, महेश्वर। अब ऐसे आ जाए मान लो एक एक, अब आ गई दो मात्रा, इसका होता है एक प्लस में एक, अब आप सभी जानते हैं एक ऐसे लिखते, कभी देखा है ऐसे एक लिखा हुआ, तो आपको ये प्रैक्टिस है, आपको कंफर्म है। अब यहां पर देखो आ जाएगा प्लस में ए आ रहा है, बनना क्या है, ठीक है। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ गुणाते ओए अर, ओए अर, और वृद्धि में औ आई, बस वृद्धि के तो दो ही हैं, बात समझ में आ रही है, वृद्धि के तो दो ही पॉइंट है, बस समय सीमा समाप्त होती है, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी कल, ठीक है, कल और प्रैक्टिस लेके आऊंगी, आई होप आपको समझ में आया होगा। और भाई मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, प्रियंका रोहिला मेरा नाम है, रोहतक वाली मैडम हूँ, रोहतक से हूँ, हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आई होगी हिंदी की संधि, नींबू निचोड़ मसाला जो कि तप करके प्राप्त किया हुआ है वो आपको दिया, चलिए थैंक यू।